नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में अभय और अजय परिवार की बयानबाजी सियासी पारा बढ़ाती रहती है, लेकिन अभय अजय चौटाला की लड़ाई वार पलटवार का दौर अब जेल पर आ पहुंचा है, क्योंकि अजय चौटाला पर वार किया गया है और ये बहुत पहले से होता आया कि अजय परिवार पर अभय वार करते हैं और पलटवार भी आता है। तो अब ये वार पलटवार का दौर इसलिए हम कह रहे हैं कि जेल तक पहुंचा के, क्योंकि अभय की ओर से ये कहा गया है कि बीजेपी सिसोदिया की तरह दुष्यंत को जेल भेजने वाली है। तो भतीजे दिग्विजय चौटाला की ओर से पलटवार किया गया है और कहा कि पिता और भाई की जेल से भी अभय का पेट नहीं भरा, भतीजे को भी भेजना चाहते हैं। इतना ही नहीं, दिग्विजय ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिता और भाई की जेल को अभय ने राजनीतिक अवसर के तौर पर भुलाया है, यानी राजनीतिक तौर पर उनकी जेल का फायदा उठाया है। ऐसे में चर्चा हम करने वाले हैं कथित शराब घोटाले का सियासी खेल या फिर होगी जेल, उससे पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। से मुख्यमंत्री शराब माफिया क्या हालत थी उनकी विधानसभा में, कैसे अपने आप को क्लीन चिट दे रहे थे बजाय वो रिपोर्ट पेश करने के। यही हालत जो आज मनीष सिसोदिया जी की है शराब इश्यूज को लेकर के, बीजेपी ने जो उनको जेल में डाला है, दुष्यंत भी जेल जाएगा, इन्हीं घोटालों में जाएगा, ये बीजेपी ही ले जाकर के अंदर। तो अभय ने क्या कहा ये हमने आपको सुनवाया, दिग्विजय ने ट्वीट क्या किया है ये हम आपको दिखा रहे हैं। पिता और भाई के जेल जाने से अभय का पेट नहीं भरा, अभय अब अपने भतीजे को जेल भिजवाना चाहते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि अभय सिंह के खिलाफ लंबित मामलों में उन्हें जेल न जाना पड़े, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। आज जो भी राजनीति में उनके हालात हैं इसी सोच का परिणाम है, लेकिन सोच बदलने को अभय तैयार नहीं। तो पिता और भाई के जेल जाने को राजनीतिक मौके के तौर पर लिया और अब भतीजे को जेल भिजवाने की मंशा के साथ एक राजनीतिक मौका ढूंढ रहे हैं। आबकारी राजस्व विभाग की उपलब्धियां भी दिग्विजय ने गिनवाई हैं। जीएसटी हिस्सेदारी 3 साल में 20,000 करोड़ से 36,000 करोड़ हो गई है, ये भी दावा किया गया है। चूंकि ये दावा देखिए इसलिए भी किया गया है, अभय ने कथित शराब घोटाले का जिक्र किया जिसे लेकर विधानसभा में भी आपने पिछले कई सत्र से देखा होगा दुष्यंत चौटाला को और सरकार को घेरा जाता है इनेलो की ओर से भी, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी। अब अभी ये कहते हैं जिस तरह से सिसोदिया को जेल हुई शराब घोटाला मामला दिल्ली का, हरियाणा में शराब घोटाला मामले में हरियाणा के डिप्टी सीएम जो कि विभाग के मंत्री भी हैं अभय के भतीजे हैं, अभय दुष्यंत को लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी दुष्यंत को जेल भिजवाएगी। दिग्विजय पलटवार करते हैं, दिग्विजय की ओर से कहा जाता है कि पिता और भाई की जेल को तो राजनीतिक अवसर के तौर पर अभय ने लिया है और उससे पेट नहीं भरा उनका, अब भतीजे को जेल भिजवाना चाहते हैं, मौका ढूंढ रहे हैं। आज के सवाल क्या कुछ होंगे ये हम आपको दिखा देते हैं। तो क्यों चाचा भतीजे की लड़ाई जेल तक आई, क्या ये चुनाव करीब आने का नतीजा है कि लगातार तलखी बढ़ रही है बयानबाजी में, अभय के दावे में कितना दम है और क्यों इतना कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं कि बीजेपी दुष्यंत को जेल भिजवाएगी। तो क्या अभय ने पिता और भाई की जेल को राजनीतिक अवसर के तौर पर लिया, दिग्विजय के आरोप हैं। तो शराब पर क्या ये सियासी खेल जारी है या फिर जेल होगी, इस बात का कोई आधार भी है अभय के इस दावे और आरोप का? तो सवाल क्या है ये हमने आपको दिखाया है, अभय ने क्या कहा ये हमने आपको सुनवाया है और ट्वीट हमने आपको दिखाया है कि दिग्विजय ने किस तरह से, देखिए तीन बातें हम कहेंगे। पहला कहते हैं कि पिता और भाई की जेल से पेट नहीं भरा, दूसरा वो कहते हैं उनके लंबित जो मामले हैं उनमें जेल ना हो, हम ये दुआ करते हैं प्रार्थना करते हैं।
तीसरी बात ये कही कि पिता और भाई की जेल को तो अभय ने राजनीतिक अवसर के तौर पर लिया, अब भतीजे को जेल हो जाए चाहते हैं ताकि उन्हें राजनीतिक मुद्दा मिल जाए। साथ ही साथ आबकारी और राजस्व विभाग की उपलब्धियां भी दिग्विजय ने गिनवा दी हैं, चूंकि इसी विभाग से जुड़े घोटाले का जिक्र कर रहे थे, कथित घोटाले का जिक्र कर रहे थे अभय। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण ढुल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढिंगरा जी हमारे साथ हैं, जेडीपी का पक्ष रखेंगे विवेक चौधरी जी, और साथ ही नेहलू प्रवक्ता रजवन डहिनवाल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जाधव जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत जाधव साहब आपसे करेंगे, ये बयानबाजी तो नई नहीं है, लेकिन अब अभय का कहना है जिस तरह से सिसोदिया को जेल हुई, दुष्यंत को भी जेल होने वाली है, ये गंभीर बात कह रहे हैं अब है। हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? आ रही है। देखिए, ये तो अब पार्टी का विभाजन हो गया और एक तरह का ये पारिवारिक विवाद है। अब उसमें फिर वो राजनीतिक स्टैंड भी ले लेते हैं कि हम पावर में आएंगे तो ये करेंगे, तो ये पार्टी का विलय बीजेपी में होने वाला है। तो ये तमाम तरह की जो बयानबाजी है वो एक तरह का पारिवारिक विवाद है। इसके राजनीतिक मायने कितने हैं, इसके तो कुछ मुझे राजनीतिक मायने निकलते दिखाई नहीं देते। अभी तो इंडियन नेशनल लोकदल को अपने आप को खड़ा करने की भी जरूरत है कि वो जिस स्थिति से पार्टी के टूटने से जो झटका उनको लगा है, उस सदमे से और उससे जो नुकसान हुआ है, राजनीतिक नुकसान भी हुआ, वो सब उसको रिकवरी करने की जरूरत है। वो तो अभी हो नहीं रहा, और बयानबाजी जो है ये इस तरह से दिखाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। बयानबाजी तो ये पार्टी के विभाजन और उससे पहले से चली आ रही और उससे कोई फायदा हुआ नहीं, बल्कि आखिर में पार्टी टूट गई और फिर पार्टी के टूटने के बाद भी बयान चल रहा है, उससे कोई रिकवरी होने वाली नहीं है। उससे अच्छा कि जनता के मुद्दों पर ही काम किया जाए और अपनी ताकत बढ़ाने का काम किया जाए और कुछ राजनीति के राजनीतिक रूप से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाए, वो ज्यादा। ये भी तो देखिए जाधव साहब, आपने कहा ये पारिवारिक मामला है, क्योंकि परिवार राजनीतिक है तो ये मामला राजनीतिक भी अपने आप में हो जाता है। और बड़ी बात ये भी है कि जो इन दोनों ही पार्टियों का वोट है वो कभी ना कभी तो कॉमन वोट रहा अपने आप में। दोनों ही पार्टियां ताऊ देवीलाल के नाम पर वोट मांगती हैं, राजनीति करती हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने का भी प्रयास होगा कि दुष्यंत के विभाग में घोटाला हुआ है और बीजेपी उनको जेल भेजेगी, तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं अभय अपने समर्थकों में या फिर जेजेपी के जो वोटर्स हैं समर्थक हैं उनमें भी। आप देखिए, ऐसा है कि एक इंप्रेशन तो क्रिएट करने का प्रयास है कि ये हमेशा ये मुद्दा बना रहा कि शराब घोटाला हुआ, ये घोटाले हो गए और ये घोटाले हम इनकी जांच कराएंगे। आप मतदाता को मैसेज देने का प्रयास तो है, लेकिन सवाल ये है कि आप अभी उस स्थिति में आई है कि लोगों को लगे कि हाँ वास्तव में ये पावर में आने वाले हैं और कुछ होगा, तो ऐसा कुछ अभी दिखाई नहीं देता। अभी तो कांग्रेस के साथ अलायंस की चर्चाएं भी चल रही हैं और कांग्रेस के नेता भी जो है रवि सिंह जी चौटाला की तारीफ कर रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि कुछ अंदर जो है अंदर खाते कुछ एक दूसरे के करीब आने का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, कुछ ऐसा लगता है। तो ये राजनीतिक बयानबाजी तो है, लेकिन पारिवारिक ही है, ये इससे में ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है इस तरह की बयानबाजी। ठीक है, इससे अच्छा तो कि जनता के मुद्दों पर ही काम किया जाए, वो ज्यादा ठीक होगा। ठीक है, हालांकि हुड्डा साहब इनकार कर चुके हैं कि हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, प्री पोल अलायंस की कम से कम। विवेक जी आप जुड़ गए हैं चर्चा में, भतीजे और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को जेल भिजवा रहे हैं अब है, क्या कहेंगे? आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है विवेक जी। चले आएंगे आपके पास, ढुल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ढुल साहब, बीजेपी जेल भेजेगी, देखिए ये आरोप तो बीजेपी पर भी हो जाता है कि क्या बीजेपी जेल भेजती है, और अभी तो ये कह रहे हैं कि सिसोदिया को बीजेपी ने जेल भेजा के,
हालांकि वो भी जांच का विषय है और यहां भी आरोपी लग रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नेताओं को जेल भेज देंगे? उसका तो अभी तक अभय सिंह चौटाला भी जेल चले गए होते हैं, उनके ऊपर भी तो मुकदमे चल ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है और किसी भी प्रकार से राजनीति की शुचिता को बनाए रखे और बदले की भावना से राजनीति ना हो, इस विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। और अगर ऐसा होता तो अब तक जितने सारे आरोपी हैं, अभी पिछली बार तो कांग्रेस के हमारे साथी थे तो पीछे बात कर रहे थे किसी एक डिबेट पर, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी जो सबको जेल भेजती है, उन्होंने कहा था ऑन माइक पर आकर के जनरल पर कहा था। तो भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि हम किसी को अंदर कर दें या जेल में डाल दें, ये ना तो हमारी पद्धति रही है ना पार्टी की रीति और नीति रही। हाँ, जो व्यक्ति कानून से ऊपर जाकर के और कानून का पालना ना करते हुए को काम करेगा तो उसको न्याय देना हमारी न्यायपालिका का काम है, उसमें पार्टी कहां से इन्वॉल्व है। अब अगर मनीष सिसोदिया को अभय सिंह चौटाला लगता है कि बीजेपी ने जेल भेजा, तो शायद इनको परिभाषा ही नहीं पता कि ईडी क्या होती है और हमारी विजिलेंस की टीम में क्या काम करती है और क्या क्या उनके दायरे और क्या सेंट्रल विजिलेंस कमेटी है। उसकी गाइडलाइन तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी प्रदेशों की सरकारें पालन करती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जिसकी सरकार उससे रिलेटेड नीचे सरकार हो या स्टेटों में किसी और की, सीबीसी की गाइडलाइन का हमेशा ही पालन किया जाता है कि किसी भी प्रकार की अपराध नियंत्रण जो ब्यूरो है वो अपना काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में ये कहना अभय सिंह का, मैं इनके आरोपों का खंडन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेल भेजने का काम करती है। हाँ, अपराधी जो है, चाहे वो राम रहीम जी थे उनके टाइम में जो उन्होंने अपराध किया उनके सजा मिलती, तो वो हमारे टाइम में अंदर गए हैं तो वो जेल में जाएंगे। अगर अभय सिंह को ये इस बात का डर है कि उनसे कोई अपराध हो रखा है और वो निश्चित तौर पर जेल जाने वाले हैं, तो वो हमारा कार्यकाल भी हो सकता है जिसमें उनको सजा हो जाए तो जेल जाना पड़ेगा, इसमें क्या बड़ी बात। कि शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की तर्ज पर बीजेपी दुष्यंत को भी जेल भेजेगी। लेकिन मैंने कहा किसी भी रूप में न्यायपालिका से बढ़कर कोई भी आदमी नहीं है, यही हमारे इस लोकतंत्र की खूबी है कि जिसमें हमने अगर पुराने इतिहास उठा करके देखें तो लालू प्रसाद यादव, ओम प्रकाश चौटाला, एक कालमाडी, ए राजा, सुरेश कालमाडी, राजा ने बड़े बड़े प्रफुल्ल पटेल, कितने लोग जो हैं जिन्होंने अपराध किया और वो अपने अपराध की सजा न्यायपालिका ने उनको दी है, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो कोई भी हो, हमारी पार्टी का भी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति मुझे लगता है न्यायपालिका से बढ़कर नहीं है। और हमें लोकतंत्र में न्यायपालिका पर विश्वास भी रखना चाहिए कि न्यायपालिका अपना काम सुचारू रूप से और निष्पक्ष होकर के करती। विवेक जी, वही सवाल रहेगा आपसे, दुष्यंत को जेल भिजवाने की बात कह रहे हैं, अब है बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं कि जेल तो जाएंगे। ज्योति जी, समय समय पे हमारे नेताओं द्वारा भी और हम भी एक शब्द का यूज करते हैं, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, और उनकी बातों को कम से सीरियसली लेने लग गए, यह हमें नहीं पता। आज के दिन वो बातें तो आप लोगों ने तो नया नाम रख दिया है अभय का। मैं खुद उनसे 3-4 बार ये सवाल कर चुकी हूँ कि आपको दुष्यंत सीरियस पॉलिटिशियन कहते हैं। मैं ये नाम उनको रखने का शौक है, वो समय समय पे सुविधा के अनुसार अपने नाम बदलते रहते हैं, कभी वो जल योद्धा बन जाते हैं, कभी वो खेल रत्न बन जाते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ, कभी जुबान के धनी बन जाते हैं, तो उनको नाम हमने भी देने का काम किया। आज कहीं ना कहीं हर बार एक ही काम किया गया, आरोप लगाओ और भाग जाओ, कभी भी कोई फैक्ट उनके पास नहीं हुआ। आपने विधानसभा सत्र के अंदर देखा किस तरह से उन्होंने आरोप लगाने का काम किया हिसार एयरपोर्ट के बारे में, जब उनसे फैक्ट्स मांगे गए फैक्ट्स उनके पास है नहीं। अगर किसी भी मुद्दे के ऊपर बात की जाए, इनका काम शुरू दिन से यही रहा है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। आज कहीं ना कहीं मीडिया में जगह बनाने के लिए उनको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। आज मीडिया कितनी कवरेज कर रही है और कितना दिखा रही है वो आप सबके सामने है, यात्रा कहाँ चली थी और कहाँ रहेगी वो सबको पता है। आज इनको और कोई मुद्दा नहीं है तो सोते जागते उठते बैठते सिर्फ दुष्यंत दुष्यंत दुष्यंत, और जितना ये दुष्यंत जी की खिलाफत करेंगे, दुष्यंत जी के
प्रति नेगेटिव बयानबाजी करेंगे, मैं तो कहूंगा दुष्यंत जी उतने ही ऊपर उठेंगे। आज बोले गए दुष्यंत जी के आप एक भी बयान दिखाइए, दुष्यंत जी ने कभी किसी के खिलाफ नहीं करी, कोई गलत बयानबाजी नहीं की। दुष्यंत जी अपने काम पर फोकस रखते हुए, वो जो वादे जनता के साथ किए थे उन्हें पूरा करने पर फोकस उनका है। ये बयानबाजी ये करते रहेंगे सिर्फ मीडिया में रहने के लिए, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जो जादून साहब ने बहुत अच्छे से कहा कि जो सदमा लगा था अभी तक उससे नहीं उभर पाए और उभर भी नहीं पाएंगे। यही कार्यशैली जो इनकी रही है, हमेशा एक नेगेटिव सोच लेके चलना और नेगेटिव बयानबाजी करना, वो उसी के कारण आज यहाँ तक पार्टी का हालात है जो 19 से 1 पे पहुंची और आने वाले विधानसभा पहले देखिए पहले भी कहा कि दुष्यंत की फाइल्स तैयार कर रखी है बीजेपी ने, जेल भेजेंगे। और अब चूंकि दिल्ली में जो हुआ उसके बाद कह रहे हैं कि शराब घोटाला मामले में दुष्यंत जेल जाएंगे। मैं ज्योति जी एक चीज कहता हूँ, लैक ऑफ नॉलेज। शायद ये नहीं पता कि मनीष सिसोदिया के केस में क्या था। मनीष सिसोदिया ने सीधा कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान पहुंचाने का काम किया, सरकार के रिवेन्यू को घटाने का काम किया। आज ये देखने की बात है कि हमारे डिपार्टमेंट्स जो जो हैं उनका रिवेन्यू तो बढ़ रहा है और रिकॉर्ड मतों पे बढ़ रहा है। कोई ये नहीं है कि हाँ थोड़ा बहुत बढ़ाओ। आपके चैनल पे दुष्यंत जी ने अपने आप बताने का काम किया कि अगर एसआई डिपार्टमेंट की बात की जाए, रिवेन्यू डिपार्टमेंट की बात की जाए, सभी डिपार्टमेंट्स का रिवेन्यू बढ़ाने का काम किया गया, घटाने का नहीं। जब रिवेन्यू बढ़ रहा है तो घोटाला कहां से हो गया? ये घोटाला उस बात को कहते हैं जो कोरोना काल में पुलिस की कस्टडी में शराब चोरी हुई, उसको ये घोटाला बारी बारी कहने का काम करते हैं। और उसके अंदर भी पुलिस के जो अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम सरकार द्वारा किया गया। अब ये अगर कहते हैं कि फाइल तैयार है, फिर तो इनके पास फाइल जरूर होगी। वो ये क्यों नहीं पब्लिक करते वो फाइल? सिर्फ हवा हवाई बातें करना। ठीक है, रजवन धनवाल हमारे साथ जुड़े हैं। धनवाल जी, पहली बात तो अभय चौटाला नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, ये जेजेपी बार बार कहती है, आज भी इस बात को दोहराया के, और साथ ही हवा हवाई बातें कर रहे हैं, कोई आधार नहीं है इन बातों का। सीरियस भी कहें नॉन सीरियस भी कहें, इनके कहने और ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने भी एक चीज देखा होगा, जब भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा में किसी भी मुद्दे को उठाते हैं उस पर इन सबके कान खड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार से शराब घोटाले की जो बात खुद हमारे भाई ने स्वीकार की है कि शराब का जो चोरी हुई थी वो चोरी किसके राज में हुई थी, किसके वजह से हुई है, ये सबको पता है। और शराब घोटाले की जो आवाज चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उठाई थी तो उसमें जो एसीएस थे, जो पीके दास जी थे, उन्होंने भी खुद माना था इस चीज को लेकर कि कहां कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। और जो गड़बड़ी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के, जब वहां पर सवाल जवाब जब किया जाता है, पार्टी के पक्ष को लेकर जाना जाता है, तो वो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर डाल देते हैं उंगली कि ये विभाग किनके पास है, वो दुष्यंत का विभाग है। और दुष्यंत के पास कहते हैं तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ये कौन करता है? नहीं, देखिए कई बार आपने यार आपने और हमने डिपार्टमेंट की चीज के बारे में जब भी हमने शराब घोटाले की बात की है तो जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो यही कहते हैं कि इस चीज के बारे में किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ, शराब की कोई चोरी नहीं हुई। और जब भी देख, एक चीज है, ये आज हरियाणा की जनता बच्चा बच्चा आज यही कह रहा है कि दुष्यंत चौटाला जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मिलके जो आज सरकार चला रहे हैं, ये सरकार कहीं ना कहीं दबाव में चला रहे। चलिए अब आपको अभी फोन कट गया, आज बड़ी दिक्कत आ रही है। केवल डिंगरा जी, आपने सुना पहले अभय को सुना, फिर हमने ट्वीट दिखाया कि कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है इस बात को, इस दावे को कि दुष्यंत जेल जाएंगे शराब घोटाला मामले में। बंदा तब जाता है अगर कोई किसी ने कोई गड़बड़ की हो, 400 बीसी करी हो, घोटाला करा हो, चीटिंग करी हो, करप्शन किया हो, इन सभी बातों में बंदा जेल जाता है। और जहां तक जेजेपी और आईएनएलडी की संबंध की आपस में एक दूसरे की बात है, तो आईएनएलडी ने तो सजा अपनी एक तरह से भुगत ली। जो आय से ज्यादा संपत्ति के मामले थे या उनके टाइम पे जो जेबीटी टीचर घोटाला था उसके अंदर उन्होंने अपनी सजा जो है ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी और अजय चौटाला ने भी भुगत ली। अब जहां बाकी रह गई की बात, ये जो इनकी बात हो रही है जेजेपी की, तो इस इनके राज के अंदर बिजली मीटर का घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ, चावल घोटाला हुआ, एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी तक पैसे लेते पकड़े गए, वो भी घोटाला ही है। हरियाणा स्टाफ सर्विस कमीशन के चेयरमैन
ये हालांकि पुराने टाइम का मामला है, लेकिन घोटाला तो बीजेपी और जेजेपी का नहीं था उस समय, बीजेपी के राज में हुआ और करीबन करीबन 30 पेपर लीक हुए, ये भी बड़ा एक घोटाला है। और इसी तरह का बहुत सारे घोटाले और भी हैं जो काफी सारे संज्ञान में हैं, जिस तरह से स्कीमें लाई गई उसके अंडर में कितनी गड़बड़ियां हुई हैं, कितना बड़ा मामला हो रहा है, जो कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं उसके अंडर हैंड पे क्या गड़बड़ चल रही है। और कई बार एसआईटी भी बैठी है, उन एसआईटी की रिपोर्ट्स भी नहीं आती हैं। तो ये जो अभय चौटाला जी जो बात कर रहे हैं वो इन घोटालों की शायद कर रहे हैं, और इन घोटालों में 11 मंत्रालय जो हैं वो जेजेपी के पास हैं, जिसके अंदर समय समय पर अलग अलग घोटाले नजर आए हैं। और ये जो दुष्यंत जी हैं वो पाक साफ भी बने हुए हैं, क्योंकि उनकी छत्र छाया पे खट्टर साहब बैठे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि खट्टर साहब ने उनकी फाइलें नहीं खोल रखी होंगी, जिस समय मौका आएगा तो बीजेपी घात लगाने के लिए छोड़ेगी नहीं इनको। और ये भी बात दूसरी है कि जो बीजेपी ने गड़बड़ियां की है वो भी सामने आएगी। तो जब ये इनकी सरकार जब तक चल रही है तब तक तो ये छुपे हुए हैं, लेकिन बाद में ये सारी चीजें खुल करके जब आएगी तो इनके घोटाले सब दोनों के सामने आ जाएंगे, और सामने आएंगे तो पता लगेगा किसने क्या गड़बड़ की है। उस समय क्लैरिटी की बात आएगी, जो मुझे लगता है अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि जिस समय टाइम आएगा, जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने जो गड़बड़ की थी वो पकड़ी गई तो, और उसके अंदर एक गवाह भी आ गया तो उसके चक्कर में उनको जेल भी हुई, तो जब इनकी भी कोई गड़बड़ी पकड़ी जाएगी और इनकी सरकार होएगी या नहीं होएगी तो उस समय कुछ भी हो सकता है। जी ठीक है, आगे बढ़ेंगे चर्चा में। एक बात तो है कि कांग्रेस प्रवक्ता ये मान रहे हैं, डोल साहब एक तो आप एक्सपेरिमेंट बहुत कर रहे हैं फ्रेम के साथ, प्लीज आप एक बार देखिए स्टैंड बाय पर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैं आपसे। डिंगरा साहब कम से कम आज ये तो मान रहे हैं कि जो कोई गलती कर रहा है, जिसकी गलती पकड़ी जाती है अदालत के रास्ते, उनको ही जेल होती है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं को जब जेल या सजा होती है तब आपकी भाषा अलग होती है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपसे सवाल इसलिए भी, चूंकि रजवंत जी की बात पूरी नहीं हो पाई थी। रजत जी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं अब है और उनकी बातों को जेजेपी सीरियस नहीं लेती है। एक आरोप ये भी लगा है कि पिता और भाई की जेल को सजा को अभय ने राजनीतिक अवसर के तौर पर भुनाया है, उसका फायदा उठाया है। देखिए ज्योति जी, पिता और जो भाई को जेल हुई थी क्या वो अभय सिंह चौटाला जी की वजह से हुई थी क्या? अभी 10 दिन पहले अजय सिंह चौटाला जी का भी बयान आया था अभय सिंह जी को लेके कि कभी जेल गए हैं क्या, तो वो तो इस तरीके से दिखा रहे थे कि भाई जैसे वो अभय सिंह चौटाला जी जिम्मेवार है अजय सिंह चौटाला जी को जेल भिजवाने के लिए, क्या वो अपने पिताजी को भी जेल भिजवाने के लिए अभय सिंह जी जिम्मेवार है? अच्छी तरह जो जिम्मेवार है उनका तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए अभी तक, और कहा कि एक दिन भी जेल गए हैं क्या, और जेल जाना पड़ गया तो क्या हो गया? तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जब SYL के लिए हरियाणा के अंदर जेलें भरी गई थी और जब हम पंजाब एंटर कर रहे थे तो पंजाब एंटर करते ही अभय सिंह चौटाला जी को और अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था और पटियाला जेल में रखा गया था। तो पहली बात तो उनका जवाब दे दूं, जो 10 दिन पहले अजय सिंह चौटाला जी ने शुरुआत की थी बोलने से, उन्हें सोच समझना चाहिए बोलने से पहले कि आप क्या बोल रहे हैं, जो आपको जिम्मेवार है, जो उनको पिताजी के जेल भिजवाने के लिए जिम्मेवार है वो लोग कौन है अच्छी तरह जानते हैं भाजपा वाले। तो पहली बात तो ऐसा बयान देना और ऐसी, उनको जेल भिजवाने वाले कौन है रजत जी? देखिए अच्छी तरह पता है कि चौटाला साहब का जो नाम नहीं था उनका नाम बाद में ऐड किया गया जब वो मुख्यमंत्री के अपने पद पर नहीं रहे, जब सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर बाद में उनका नाम जोड़ा गया था। ये किसने किया? मुख्यमंत्री तो उस वक्त हुड्डा थे, यानी तो कांग्रेस सरकार ने, और आप लोग तो आज कांग्रेस के साथ गठबंधन को भी तैयार हैं, फिर भूल गए आप लोग? नहीं बिल्कुल नहीं भूले, जिन्होंने आप ये देखिए जिन्होंने घर में रहते हुए पीठ पे छुरा मार दिया वो तो सामने से है जो है, और ये तो चौटाला साहब ने अपना बड़ा मन दिखाया है, ये तो चौटाला साहब ने अपना बड़ा मन दिखाया है। अच्छा। उस वक्त सरकार देखिए किसके इशारे पे हुआ ये देखना पड़ेगा ना, जो आपने कभी जिंदगी अभी आप बताइए
मर्डर के केसेस है, ऐसे केसेस है, 4 साल सजा हो रही है और गंभीर आरोप है, गंभीर से हीनियस क्राइम, इतना हीनियस क्राइम कर दिया था कि 10 साल की सजा। आप एक कुछ लॉजिक है, जिसने कंप्लेंट करी, कभी आपने सुना हो कि जिसने कंप्लेंट करी वो दोषी माना गया, उसको दोषी माना और उसको दोषी मानते मानने सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई, ऐसा कभी केस सुना है आपने? तो देखिए, आपको भी पता है वहां स्टेट एक्सटेचर को जो सरकारी खजाना है उसको, उसका कोई केस नहीं, एक रुपए की कोई पर्सनल कोई इंडिविजुअल को आया पर्सनल कैपेसिटी में कि भैया हम, मैंने हाथ में पैसे दिए, एक रुपए की वो करप्शन नहीं। तो सारा कुछ होते हुए भी अगर एक राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए बाद में नाम डाला जाए तो वो साफ सी बात है। और जो ये आज जशपा वालों का बयान आया, मैं तो हैरान की मानता हूँ, पहले 10 दिन पहले इनके पिताजी का बयान आया था, आज इनका बयान आ गया। और उन्होंने क्या कहा, अभय सिंह जी ने तो ये तो नहीं कहा कि मैं जेल डालूंगा या मैं जेल में इनको भेज दूंगा, जो कर्म किए हैं, जो गलती की है वो भुगतनी पड़ेगी, उन्होंने ये कहा। वो तो उनको आगाह कर रहे हैं कि भाजपा आपके साथ ये करेगी, पहले भी बहुत बड़ी आगाह का है, जब इनको आगाह किया गया है उल्टा इन्होंने अभय सिंह जी में कोई ना कोई गलती ढूंढकर उन्हें जिम्मेवार ठहराने की कोशिश की है। वो कहते हैं ना, औरों का तो इनसे बिगड़ता नहीं कुछ, इनको घूम फिर के सिर्फ अभय सिंह जी दिखते हैं, सपनों में भी नींद में भी, इनके भी भले की बात करो तब अभय सिंह जी में गलती दिखती है। शुरुआत के अंदर ही अपना मतलब ये कहते हैं ना, आज एक रिश्ते की बात की गई, चाचा भतीजे के रिश्ते की, वो चाचा तब कब चला गया था, जब आपको आपको लोकसभा में भेजा गया, विधानसभा में भेजा गया, फिर आपने उनको एकदम आपको सपना आया और आपने सारे मीडिया में आके उन्हें गुंडा गुंडा कहना शुरू कर दिया। आज आपकी बड़ी फेस पहुंच थी आपके, जिनको आपको चोर कह दिया, तो आपने शुरुआत आपने करी, गलतियां सारी आपने करी, पार्टी में भीतरघात आपने किया, अनुशासनहीनता आपने करी, बड़े मंच में रैली में आपने तमाशा आपने बनाया, धक्के आपने चौटाला साहब तक को मारे, भाई करंस को मारे, वो सारे दृश्य मीडिया में है, किस तरह आपने तमाशा किया था, क्या क्या आपने किया था। आप पूरी पार्टी पे कब्जा करके चौटाला साहब को बाहर निकालने की मंशा थी आपकी, अभय सिंह जी को पूरी पार्टी पे कब्जा करके क्या करते हैं फिर हम। तो देखिए, ये सारी बातें जनता से छुपी नहीं है, ये घड़ियालू आरक्षण वाले घड़ियालू आज कहीं ना कहीं ये बात आप टीवी के ऊपर कह रहे हैं, ये विवेक जी बात कर रहे हैं, विवेक जी कुछ कह रहे हैं, अगर गलत बोलेंगे बिल्कुल टोकूंगा बीच में, अरे बिल्कुल बोलेंगे आप कैसे कह रहे हैं, क्या हो गया झूठ क्यों बोल रहे हैं, अरे भैया क्या हो गया, झूठ क्यों बोल रहे हैं, अरे बीच में ना बोलिए आप, मैं अपने समय में बोलिए, आप गलत बोलेंगे आपको टोकने का काम करूंगा, आप कुछ भी, आपकी स्टेज नहीं है, रैली की स्टेज नहीं है, आप बोले जाएंगे बीच में, छोटी मानसिकता विवेक जी, अभी सुनिए आप, मैं अभी आ रही हूँ, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लें, विस्तार से इन्होंने अपनी बात कही है। रजत जी आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी, इनको बोलिए बीच में अपनी विशेष टिप्पणी ना, अपने समय में जो मर्जी बोलिएगा, इनके समय में फिर मैं भी डिस्टर्ब करूंगा इन्हें, अच्छा नहीं लगता, जनता सब देख रही है। देखिए जो जो इन्होंने किया ये किसी से छुपा नहीं है, आप एक बात बताइए, अहमदाबाद का चुनाव था, अहमदाबाद के चुनाव के अंदर अजय सिंह चौटाला जी ने चौटाला साहब के बारे में, बड़े साहब के बारे में ऐसी गंदी टिप्पणी करी थी कि उनका ये आखिरी चुनाव है क्या, ऐसे ऐसी भाषा का ये इस्तेमाल करते रहे चौटाला साहब के बारे में, और यहाँ मीडिया के सामने आके घड़ियाली आंसू बहाते हैं, जिन्होंने आधी रात को जेल हॉस्पिटल से जेल भिजवाने का काम किया हो चौटाला साहब को, जो बार बार पैरोल कैंसिल कराई हो, ये देखिए इनके घड़ियाली आंसू है, ऐसे ही नहीं किसी का दिल दुखता, इनके जो बड़े बुजुर्ग है स्वर्गीय श्री, चलिए विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी, ओम प्रकाश चौटाला जी ने इनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए थे वो सारी दुनिया जानती है, मैंने घराना नहीं चाहता आपकी, ठीक है आपकी बात पूरी हुई विवेक जी, कांग्रेस का भी कहना है संचय नहीं रह जाता, ये विवेक ये क्या नाम है इसका, जो भी बोगनी है जजपा के प्रवक्ता, ये जो मर्जी बोलते रहे चीखते रहे, ये जो मर्जी बोलते रहे चीखते रहे, सत्य जो है सच्चाई जो है भरी विधानसभा के पटल के अंदर, इनको बड़े जो बुजुर्ग है, जो सम्मानित बड़े बुजुर्ग पॉलिटिशियन
संत मानते हैं जिन्होंने काम किया, जो उन्होंने कर्म कांड किए हैं। ठीक है, अभी अभी जवाब ले लें, आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं विवेक जी, ये तो होना ही है। रजत जी ये कह रहे हैं कि जेल तो जाना ही है दुष्यंत को, हम तो आगाह कर रहे हैं और जो किया के उसी के लिए जेल जाना है। ज्योति जी इतनी हमदर्दी कब से आने लगी? और अभी मेरे भाई कह रहे थे नाम नहीं पता, अपने नेता से पूछ लेना नाम क्या। जिस टाइम आप कहीं भी नहीं गिनती में थे उस टाइम भी हम प्रवक्ता थे और इनेलो के प्रवक्ता थे और पढ़ के आने का काम करते थे, डिबेट पे बैठने का काम करते थे पूरी तैयारी के साथ। आपकी सदा इस तरह नहीं मुंह उठाते आगे। आज दिन में टीवी चैनल पे कहते हैं कि 20 दिन अजय सिंह जेल में रहे, पटियाला जेल में। अरे चुप हो जा, लगे बोल रहे यार, चुप हो जा। उसके आगे उठा ये यही तो लैंग्वेज है, यही लैंग्वेज है जिसके कारण एक पे पहुंच गए, एक पे पहुंच गए और एक से जीरो पे पहुंचेंगे। जो कि भी कौन बर्माश कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, चुप रहे हैं, काम भी नहीं तो म्यूट करने का काम। जैसे अपना प्रोफेशन कर रहे हो, जैसे अपनी जान की बातें कर रहे हो, ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। अगर इतनी तकलीफ है तो पहले आपका प्रवक्ता जा चुके, आप भी जा सकते हैं। आज के दिन नहीं नहीं वो टेक्निकल लगाने के आरोप लगाने के अलावा इनके पास कोई फ्लैक्ट समझा। ये धमकी जी इनको बोलने न दीजिए, ये धमकी अपने पास रख समझा, या बैठ के धमकिया मत दे। अरे कौन धमकिया दे रहा है भाई? धमकी तुम्हारी है, हमारी नहीं है। ये धमकिया देने वाली पार्टी तुम्हारी है, हमारी नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो भाई बता, धमकिया देने वाली पार्टी तुम्हारी है, हमारी नहीं है। धमकिया देते हैं पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है, ये अपने पास पूरा देश जानता है, हरियाणा प्रदेश जानता है, मीडिया को जाती जानता है। धमकिया देने का काम किसका है? धमकिया किसी और को दिया? ज्योति जी अगर इसी तरह डिबेट चलवानी है तो इन्हें ही बोलने न दीजिए। पंजीटा जी आपने इतना विस्तार से बात कही, आपको सुना ना सभी ने, धमकिया कौन होता है? दूसरे आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है, आप बात जल्दी कम्प्लीट कीजिए। देखिए कोई किसी को धमकी ना दे, कम से कम हमारी डिबेट में आप लोग भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। हरियाणा न्यूज की डिबेट में रखिए, उसके बाद आप लोगों को जो बात करनी है आपस में करें, अभी विषय पर बात करें आप लोग। ये शुरुआत उसने करी है नहीं विवेक जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं। मैंने कौन सा शब्द प्रयोग किया गलत, आप बताइए। तो मुंह उठाकर आ गए सर, ये कौन सी बहुत अच्छी भाषा है ये? नहीं, जैसे बात कर रही है ये, जो बातें कह रही है, चौटाला साहब को धक्के मारे और ये किया, ये बातें इनकी सही है? इन्होंने सच कहने का काम किया? ये चौटाला साहब लगाते जाएंगे और हम सुनते जाएंगे, उनकी पार्टी की स्टेज नहीं है, पार्टी की स्टेज नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला अरे चुनेगा, आप बताइए, आप बताइए, ओम प्रकाश चौटाला जी ने गलत बोला था क्या? ओम प्रकाश चौटाला जी ने गलत बोला था? स्वर्गीय स्नेह लता जी ने कुछ गलत बोला था क्या? नहीं देता, वो सबको बताया। स्वर्गीय स्नेह लता चौटाला जी ने जो आपके बारे में शब्द इस्तेमाल किए थे, जो आपके नेता के पंजीटा जी, अभी अभी आप सुन रहे हैं, आपको जिस बात से आपत्ति थी मैंने उस बात के लिए टोका। और मैं सभी प्रवक्ताओं से ये कह रही हूँ कि आप लोग देखिए व्यक्तिगत कमेंट्स ना करें, तो भाषा और शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। आप लोग अपनी अपनी पार्टी के सीनियर प्रवक्ता हैं, क्या संदेश देते हैं आप दर्शकों को? व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आप जल्दी बात कम्प्लीट करें विवेक जी, डिबेट को आगे बढ़ाना है अभी। जी जी, इन्होंने बारी बारी आरोप लगाने का काम किया, बारी बारी दुष्यंत जी के ऊपर आरोप लगाए गए। किसी एक आरोप का कोई एक कागज तो लाके दे दें। विधानसभा में कहते हैं एयरपोर्ट की जमीन खरीद ली, फलाना कर लिया, अरे आप कागज तो लाके दीजिए। फैक्ट कोई नहीं है, हवा हवाई बातें, बात करके और चलते बढ़ो। आज बैठ के मैंने गलत बात कोई नहीं कही, मैंने एक ही बात कही टीवी चैनल पे, दिन के अंदर यही प्रवक्ता थे जिन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला 20 दिन पटियाला जेल में रहे, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और अगर इनको ना बताओ, उस समय मैं भी वहीं था, 4 दिन मात्र रहे थे और उसके बाद विधानसभा का सेशन भी ज्वाइन किया। बातें अगर कोई कहते हैं टीवी चैनल के ऊपर बैठ के, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो जेल तो गए ना, फिर अजय चौटाला ये क्यों कहते हैं जेल नहीं गए? नहीं, एक दिन गए, 4 दिन गए, 2 दिन गए, किस काम में गए? ज्योति जी वो भी इन्हें पता है क्यों गए, मुझे भी पता है, सारी बातें ना बुलवाइए। आज के दिन बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है,
नहीं आधी आधी अधूरी बातें भी ना करें फिर सारी। अगर आप बता रहे हैं तो फिर सारी बात बताएं विषय पर अगर है तो। उंगली कटा के शहीद होने का काम किया जा रहा है, उंगली कटा के शहीद होने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं है। चार दिन रह के बढ़िया बात रह के और चार दिन के बाद विधानसभा का सेशन भी ज्वाइन किया, उसको ये टीवी चैनल पे कहते हैं कि 20 दिन रहे, कहीं ना कहीं बिना इनके पास कोई तथ्य नहीं होता, बिना फैक्ट के सिर्फ बात कर रही है। आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप के साथ कोई कागज तो लेके आइए कि हाँ ये आरोप है। इन्होंने कहा कि ऐसे कर दिया, शराब घोटाला कर दिया। जनाब अगर शराब का घोटाला हो गया तो 6100 करोड़ से 10500 करोड़ कैसे पहुंच गए एक्साइज रिवेन्यू? ये अलग चीज है, राजस्व बढ़ना अलग बात है। ये राजस्व बढ़ना इस बात की पुष्टि नहीं करता कि घोटाला नहीं हुआ, नहीं बिल्कुल नहीं करता। मैं ये नहीं कह रही कि घोटाला हुआ है, ये जांच का विषय है, ये है जांच का विषय। लेकिन राजस्व बढ़ गया इस बात का हवाला देकर केवल इस ग्राउंड पर नहीं कहा जा सकता कि घोटाला नहीं हुआ। ज्योति जी बिल्कुल नहीं हुआ, घोटाला अगर हुआ है तो फैक्ट दीजिए। मैं तो इनसे नहीं, मैं क्यों फैक्ट दूं सर, मेरा काम थोड़ी है ये। नहीं नहीं मैं कोई जांच एजेंसी हूँ क्या? मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ ज्योति जी, आपको नहीं कह रहा मैं, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। बिना कागज के बात करने का कोई फायदा नहीं। आज के दिन बातें करी जाओ, आरोप लगाए जाओ, कुछ भी बोले जाओ, चौटाला साहब के बारे ऐसे कह दिए, इनके पास कोई और नहीं है। एक सिंपथी फैक्टर लेना है चौटाला साहब का नाम लेके, ठीक है? ये आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आप कह रहे हैं ये भी सहानुभूति बटोर रहे हैं। ढोल साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं। ढोल साहब आपकी पार्टी का जिक्र तो देखिए ढींगरा साहब ने किया कि आप लोगों ने भी जो घोटाले किए हैं तो आपके नेताओं को भी जेल होंगे, भले आप लोग सत्ता से बाहर चले जाएं उसके बाद, और जेजेपी नेता जो कर रहे हैं उनको भी जेल होंगे। देखिए मैं केवल जी की बात का जवाब देने के लिए अभी इंतजार में था और मीन भाई कुछ जो चीजें मुझे याद आई तो मैंने लिख ली। मैं अभी 2 मिनट में अगर सभी मेरे साथी सुनेंगे तो मैं कांग्रेस की पोल पट्टी खोलने का प्रयास करूंगा। जब केंद्र में उनकी सरकार थी तो कॉमनवेल्थ खेल घोटाला हुआ था, बहुत बड़ा घोटाला था, उसमें कामवाणी जी को जेल में जाना पड़ा। उसके बाद कोयला घोटाला हुआ था, स्टाम्प घोटाला हुआ था, टेक्सटाइल का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, और रॉबर्ट वाड्रा ने जो स्काईलाइन करके गुड़गांव से घोटालों की शुरुआत की थी और जिसके कारण उनकी सरकार गई, करीब 1 लाख एकड़ की सीएलयू और लैंड रिलीज का जो इन्होंने खेल खेला था, उसके कारण जो प्रदेश के किसानों पर जो उन्होंने डाका डाला था। अच्छा जब ये कहा जाता है डुल साहब, आप तो क्योंकि देखिए मैं चुनाव आसपास ही हैं, करीब हैं चुनाव, और अभी बात होने लगी गठबंधन के भविष्य को लेकर भी चर्चाएं और सवाल बहुत सारे हैं। जब नेता ये कहते हैं, अभय की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि फाइल्स तैयार कर ली गई हैं दुष्यंत की, या दुष्यंत को आप लोग जेल भेजेंगे, क्या कुछ ऐसा है क्या फाइल्स तैयार की हैं आप लोगों ने? हाँ उस पे भी बता दूंगा मैं अभी एक बार शुरुआत की थी, आप तो अभी पहले रोक दिया मुझे। नहीं नहीं आप केवल डिंगरा, आप कांग्रेस को तो जवाब दे चुके। मेरा मकसद ये था कि कांग्रेस ने जो कहा उस पर आप काउंटर करें, लेकिन जो विषय है फिर उस पर भी आ जाएं, उस पर इसलिए मैंने आपको टोका। आपका आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। एजीएल प्लॉट का घोटाला था, उसके बाद एचएसआईटी सीट के इंडस्ट्रियल प्लॉट का घोटाला था, पिलर बॉक्स का 800 करोड़ रुपए का घोटाला था, एक्साइज का उस वक्त की तत्कालीन केंद्र चौधरी मंत्री ने सरकार पर आरोप लगाया था कि 10,000 करोड़ रुपए के एक्साइज का घोटाला हुआ है, और एनएचएम के अंदर दवाई और मशीनों की खरीद का घोटाला था, कलेसर के जंगलों में और हमारे हरियाणा में जो फॉरेस्ट है वो इसी तरफ है, यमुनानगर पंचकूला और अंबाला में, यहाँ पर पेड़ लगाने का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, इको टूरिज्म के नाम पर मोरनी में और छापली में जो खेल खेला गया वो भी जब्त के सामने है, और एक बहुत बड़ी चीज जो दुबई में। मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ बीच में रोक कर। हाँ जी। आप इन घोटालों का जिक्र कर रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार में हुए है ना जी, तो कितनों कितनों में सजा हो गई, कौन कौन जेल गया, कहाँ तक जांच पहुंची, क्या सभी में सजा हो चुकी है, आप बताएं क्या स्टेटस है? होगी ना, इसीलिए तो ये हमारे अभी हमने विजिलेंस करके जांच में सुधीर परमार जज को पकड़ा सीबीआई वाले, उनके साथ जो बिल्डर्स के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो डील हुई है वो सब किसी तरह ऐसी। 8 से 9 साल हो गए, क्या चुनाव के टाइम भी बात करेंगे या डिबेट में ही बात करते रहेंगे? घोटाले हुए कहाँ तक जांच पहुंची, क्या किसी को सजा हुई, क्या किसी मामले में चार्जशीट हुई, ये भी तो बता देना दर्शकों को। देखिए मैंने कहा दो विषय, सरकार का काम सरकार करेगी, एफआईआर के लिए रिकमेंडेशन है, जांच के लिए विजिलेंस की जांच बिठाना
न्यायपालिका का न्यायपालिका बिल्कुल करेगी, लेकिन सरकार तेजी से जांच करवा सकती है। सरकार सरकार ने जांच करके सौंप दी, मामला न्यायालय में है और न्यायालय में तभी तो वो चल रहा है। जब विजिलेंस की जांच सौंपी गई जिसमें एचएसआईडीसी में प्लॉट के नाम आ गए, हुड्डा में प्लॉट के नाम आ गए हैं, तो वो सारी चीजें आने के बाद एजीएल में प्लॉट के नाम आ गए हैं, रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ गया, उसके बाद जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और सजा होगी। ओम प्रकाश चौटाला साहब को भी लंबे टाइम के बाद सजा हुई है, अब ऐसिंग जी को भी आय से अधिक संपत्ति में लंबे समय बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि सजा होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी जेल जाना है, ये अनुमान कौन लगा रहा है? ये तो न्यायपालिका, अच्छा न्यायपालिका अनुमान लगा रही है कि अभय को सजा होगी। न्यायपालिका में जो चार्जशीट दी गई है, अच्छा, जो उस चार्जशीट के आधार पर जो उन पर धाराएं लग रही है उनके आधार पर मिनिमम और मैक्सिमम सजा का प्रावधान है। ये ना मैं तय करूंगा ना आप तय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी तय नहीं कर सकते और मैं भी नहीं कर सकती जब तक अदालत फैसला नहीं सुना देती। हमारा काम हमने कर दिया है और अब न्यायपालिका का काम करना बाकी है, चाहे उसमें अभय सिंह चौटाला हो, चाहे उसमें दुष्यंत चौटाला हो, चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति हो, जिस भी व्यक्ति ने अपराध किया है। हमारे इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है। ये बड़ी बात कह दी आपने। अभी मुझे जादून साहब से सवाल करना था, लेकिन विवेक जी आप बहुत छोटा इस पर जवाब दीजिएगा, आपकी टिप्पणी, चाहे अभय चौटाला हो या दुष्यंत चौटाला हो, सजा तो होगी जिसने भी अपराध किया के। अपराध हुआ कहाँ है ये तो बताइए। लेकिन इन्होंने नाम तो ले दिया ना दुष्यंत का, मिसाल के तौर पर ये डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये बचाव नहीं कर रहे हैं दुष्यंत का। ये देखिए ना, आप ये नहीं कह रहे कि कोई अपराध नहीं किया दुष्यंत, ये कह रहे कि अगर अपराध किया है तो सजा होगी, इस बात को समझे आप। नहीं, इस बात से हम भी वो नहीं करते, अगर किसी ने अपराध किया तो सजा होगी। तो ये बचाव नहीं कर रहे कि दुष्यंत ने कोई घोटाला नहीं किया, ये कह रहे कि अगर किया है तो सजा होगी। घोटाला हुआ कहाँ, यही तो बात पूछ रहा हूँ। ये तो मैं तो कुछ भी एलिगेशन थोड़ी ना लगा रही हूँ। मैं तो बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि दुष्यंत ने अगर अपराध किया गया तो उनको सजा होगी, ये नहीं कह रहे कि दुष्यंत ने अपराध नहीं किया। नहीं, लोकतंत्र में अगर किसी ने भी अपराध किया है तो उसको सजा होगी। रजत जी, नहीं आप जी, आपके आपके पास आए उनसे पहले केवल ढिंगरा जी काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं। केवल ढिंगरा जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि देखिए एक एलिगेशन तो ये है कि अभय ने, हालांकि मामला इनेलो और जेजेपी के बीच का है, लेकिन अभय ने अजय और ओम प्रकाश चौटाला की जेल को एक अवसर के तौर पर देखा। अभय ये कह रहे हैं अब बारी दुष्यंत की, दुष्यंत को भी जेल होगी। देखिए अभी तो आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में ओम प्रकाश चौटाला जी को 4 साल की सजा हुई थी, अजय चौटाला और अभय चौटाला के ऊपर तो वो अभी पेंडिंग है, अभी वो तो सारे उसमें अभी कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा है। उसमें क्या होता है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी को अजय से आय से ज्यादा संपत्ति में तो 4 साल की सजा हुई, अब इनके तो पेंडिंग पड़े हैं दोनों के, अभय चौटाला के भी और अजय चौटाला के भी। और दूसरी बात ये भी है जो इन्होंने बात कही थी कि हुड्डा साहब का उसमें रोल था, जेबीटी घोटाले के अंदर संजीव कुमार जो आईएएस ऑफिसर थे उनकी वजह से मामला सीबीआई दिल्ली कोर्ट में गया था और उन्होंने ही दोनों लिस्टें दी थी, जो एक लिस्ट पहले पुरानी थी जिसके अंदर जेबीटी की 3206 टीचरों की भर्ती हुई थी और दूसरी जो 3206 टीचरों की सेकेंड भर्ती हो गई उसी सेम उसके ऊपर, वो जो घोटाला था उनके ऊपर दोनों के साइन थे और उसमें करीबन 54-55 डीओ भी थे जिनको 4-4 साल की सजा हुई थी, तो वो बिचारों का तो कसूर जबरदस्ती बन गया ना, क्योंकि उनसे जबरदस्ती साइन करवाए गए थे और वही उसमें ये बात सभी कह रहे थे कि हमसे डबल साइन करवाए गए, इसी वजह से उनको 4-4 साल की सजा हुई और इनको 10-10 साल की सजा हुई। और उसमें संजीव कुमार आईएएस को भी सजा हुई, उसका रीजन ये था क्योंकि उसने एक जो गलत जो दो दो लिस्टें थी, गलत लिस्ट को सही बता दिया और सही लिस्ट को गलत बता दिया, तो उसको भी 10 साल की सजा हुई। आप ये देखिए कि उसमें गड़बड़ घोटाला तो हुआ ना, मैंने आपको पहले वर्ड में कहा था कि गड़बड़ घोटाला करने वालों को सजा होती है। जहां तक आप बात कर रहे थे अभी, रॉबर्ट वाड्रा का नाम ले रहे थे, कनी मोजी का, ए राजा का, कलमाड़ी का, आप बताइए कि सारे तो सारे बरी हो गए, कोई कहीं निमित्ता पाई नहीं गई। और खुद ही रॉबर्ट वाड्रा के केस के अंदर हरियाणा पुलिस विजिलेंस के द्वारा ये कहा गया कोर्ट के अंदर कि यहाँ कोई निमित्ता नहीं पाई गई, अगर निमित्ता पाई जाती तो ये तो कुछ भी कर देते। ये राजस्व से जुड़ी केवल तहसीलदार ने कहा था ये मामले में क्लीन चिट नहीं है, नई कमेटी का गठन हो गया।
ये तो देखिए दुष्प्रचार कहा गया इसे बीजेपी ने, क्लीन चिट है केस तो विजिलेंस से नहीं कहा, केवल केवल राजस्व से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर बात की, तहसीलदार ने जो कहा उस बात का जवाब दिया गया। एक मिनट ज्योति जी मेरी बात सुन ले पूरी, नहीं नहीं मेरी बात पूरी होने दे, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि पुलिस या विजिलेंस, भाजपा की सरकार की पुलिस विजिलेंस खुद ही तो कह रही है कि इसमें कोई अनियमितता नहीं है, अनियमितता ना होने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं हुई है, उसकी कोर्ट डिसीजन तो जब लेगी लेगी ना। अच्छा। लेकिन खुद ही तो कह रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं घोटाला हुआ जी, दूसरी तरफ कोर्ट के अंदर खुद लिख के दे रहे हैं कि घोटाला नहीं है। नहीं नहीं घोटाला नहीं है, कोई नहीं पाई गई इसके अंदर, आप इसका मतलब समझाएं मुझे क्या है। आ जाएगा रिजल्ट उसका भी कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर अगर न्यायालय में मामला होता है तो जज ही बताएगा ना क्या है, लेकिन अगर इनके पास एविडेंस होता तो ये कैसे लिखते कि अनियमितता नहीं है कोई भी, आप समझे इस बात को, कर ले कोई बात नहीं है जो जो कार्रवाई करते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, जिन जिन को सजाएं हुई हैं आप उनको देखो, उनमें चीटिंग पकड़ी गई, सीबीआई के द्वारा जांच हुई, तभी तो घोटाला न्यायालय में आया और तभी तो जेल गए, थोड़ी गए बगैर मतलब के जेल, जो मर्जी कह लें जेल इसी वजह से गए। और दूसरी तरफ देखिए जिस तरीके से लड़ रहे हैं आप, ये देखें सारे क्लैरिटी में सारी चीजें प्रदेश के जनता के सामने आ रही हैं, जो गड़बड़ करेगा वो जेल में जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी तो मैं आपको भाजपा के कृत्य बता देता हूं, भाजपा के इतने सारे अनियमितताएं हैं, जब हमारी सरकार आएगी वो सारी बातें खुल जाएंगी, क्योंकि जो छुपा के रखी हुई है इन्होंने, जिसके कई केस मुझे मालूम है, मैं अभी इस पे डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन वो जब खुलेंगे तो वो सारी अनियमितताएं सामने आ जाएगी। लेकिन मैं ये बता दूं उस समय ये जेल पक्का, साहब खोल दीजिए फाइल अगर ऐसा कुछ है तो, इसमें विपक्ष में रहकर अगर सरकार के घोटालों को छुपाएंगे तो आप तो मदद कर रहे हैं सरकार की, तो अभी ठीक कहते हैं कि नहीं ढिंगरा जी आप ये कह रहे हैं कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, हमारी सरकार आएगी तो तब तक छुपा कर रखेंगे, मुद्दा क्यों नहीं बनाते अगर सरकार गलत कर रही है। नहीं मैं छुपा नहीं रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, चलो आपको बताता हूँ एक एक तथ्य बता देता हूँ। गुड़गांव के अंदर बीजेपी का एक भवन बना है, बहुत बड़ा घोटाला है, जिस समय सरकार आएगी घोटाले की पत्ते खुलेगी, लगभग उसके अंदर अफसर भी होंगे और बीजेपी के नेता भी होंगे, सब नपे में नपेंगे सारे और जेल में भी जाएंगे, ये बता दूं मैं आपको, ये कह रहे हैं ना हमने गड़बड़ की है, इनकी गड़बड़ में ये जेल भी जाएंगे, ये बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ढुल जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, रजत जी आपके पास भी आ रहे हैं अभी। देखो ज्योति जो रॉबर्ट वाड्रा वाले केस में तहसीलदार की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया कि रेवेन्यू की स्टाफ जो एग्जैक्टली मैंने बोला ये वो दी गई है, जो उससे उसके घोटाले को क्लीन चिट नहीं मिली, की स्काई लाइन कंपनी को जो जमीन दी गई और उस जमीन को राहुल गांधी ने खरीदा, रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदा और रॉबर्ट वाड्रा के पास पैसे डीएलएफ ने दिए, वही पैसे देने वाले उन्हीं की जमीन सीएलयू उसने करा ली, उन्हीं को बेच दी। ठीक है आपने जो उत्तर दिया मैंने टोक दिया था उस बात को लेकर, दूसरी बात जी जल्दी, जो अभी अभी केवल जी कह रहे हैं कि हमारे पास सेल होती है तो रेवेन्यू देखना होता है, रेवेन्यू के अंदर ही गड़बड़ कह रहे थे, अब रेवेन्यू की बात कह रहे हैं कि रेवेन्यू में कोई अनियमितता नहीं है तो और क्या रेवेन्यू की गड़बड़ बता दें, चैनल के ऊपर बताएं कौन सी अनियमितता होती है और बताऊंगा जी, वो तो अनियमितता किस बात की है ये बता दो फिर, ये तो डिरेल हो गए हम ना, बताइए। चलो उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ ज्योति, रॉबर्ट वाड्रा पे अनियमितता बता दे क्या थी और अनियमितता जो आपने लिखा केवल जिस टॉपिक पर हमने डिबेट की थी जब आप लोग क्लीन चिट का दावा कर रहे थे तब हमने मुद्दा ही लिया था। मैं रजत जी चूंकि कुछ कहना चाह रहे थे, जब अभय चौटाला को जेल होगी और अगर क्राइम अगर अपराध किया आगे दुष्यंत ने तो उनको भी जेल होगी, उस पर शायद आप टिप्पणी करना चाह रहे थे मंजिता जी। ज्योति जी दो तीन यहाँ पे विषय उठे हैं, सबका मैं एक एक करके जवाब देना चाहूंगा। हालांकि मैं पहले शुरुआत कांग्रेस से नहीं करना चाह रहा था लेकिन कांग्रेस से ही शुरुआत करनी बनती है। हुड्डा साहब ने अपने भतीजे हरदीप सिंह को लगाया था जब बिल इंस्पेक्टर लगाए थे, अपने एडीसी का बेटा लगाया था वरुण भैया, हुड्डा जी की धर्मपत्नी का रिश्तेदार विपिन अलावत, एचएसएससी के चेयरमैन का रिलेटिव है कमल जी, उसके विषय विषय मैं तो अभय के बयान को लेकर दिग्विजय के बयान को लेकर बात कर रही हूँ। ढोल साहब ने जो कहा कि अगर गलत किया होगा दुष्यंत ने तो उनको भी सजा होगी, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी,
क्योंकि टाइम कम लिमिटेड टाइम है इसलिए मैंने टोका आपको, बोले थोड़ा नहीं, मैंने सबको पहले मैं लेट जुड़ रहा हूँ, मैंने सबको सुना है, अगर आप मेरे को 2 मिनट भी देंगे ना बिना इंटरप्टेड सारी बात ही खत्म हो जाएगी, बोले ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। तो ये भर्ती है जो अपने एजेंटों की लगाई हुड्डा साहब ने, तो और ये कह रहे थे एन इम्पैक्ट उसमें क्या वाड्रा वाले में क्या हुई, 3 जून को इन्होंने 7.5 करोड़ की जमीन को, 7.5 करोड़ आप देखिए, 3 जून को इन्होंने बयाना कर लिया 5 करोड़ में वो बेच दी, ठीक है, स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी का नाम है उसका। रजत जी जिस दिन इस टॉपिक पर डिबेट हुई उस दिन आप भी थे, आपने सारी जानकारी दे चुके हैं, मैं सारी जानकारी दे चुका। आप ये देखिए 7.5 करोड़ की जमीन 6 महीने के अंदर 50 करोड़ 50 लाख लेके केवल सीएलयू के ले गई है, और आप एक बात मानिए जो जून में जिसका बयाना हो गया और 15 दिसंबर 2008 को सीएलयू अप्लाई की जाती है 7.5 करोड़ की जमीन के ऊपर 50 करोड़ 50 लाख रुपए केवल सीएलयू पे दिए जाते हैं, और जो खेमका जी ने की थी उसमें अलग म्यूटेशन को लेके जो कैंसिल की थी उसमें अलग वॉयलेशन थी, तो अभी उस पर नहीं जाते। मेरा वैसे मेरा नहीं था क्योंकि बहुत बोल रहे थे ना हमारे बारे में कुछ बता रहे थे, तो थोड़ा मेरा भी फर्ज बनता है कोई मेरे हमारे साथ इतना प्यार, विवेक जी भी बहुत बोल गए उनका जवाब देना भी आपका फर्ज बनता है, विवेक जी का भी अभी आप विवेक जी पे जवाब दे देते हैं जी। अभी आपने बात करी, अब मुझे उम्मीद है आपका फोन नहीं कटा होगा, आपकी आवाज नहीं मिल रही, आएंगे आपके पास। जादौन साहब आपका आपका आखिरी कमेंट। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि घोटालों की चर्चा तो बहुत हो रही है और प्रॉपर तरीके से कोई जुडिशियल कमीशन बना के उसकी सबकी जांच होनी चाहिए, नहीं तो आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही चलते रहेंगे और लोग सस्पेंशन रहेंगे, वास्तव में स्थिति क्या है। ये हुड्डा सरकार के घोटालों की बड़ी बड़ी चर्चा हुई, रजत जी आपका फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है, एक बार फिर से इन्फॉर्म करूंगी आपका कार्यकाल है जी, 8 साल के कार्यकाल में किसको सजा हुई उन घोटालों की चर्चाओं में, बिल्कुल। तो ये है कि घोटालों की चर्चा हो लेकिन ठोस तरीके से उसकी जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए केवल टीवी डिबेट में या इलेक्शन के टाइम पर मुद्दा ना बनाया जाए तमाम बातों को। रजत जी आवाज मिल रही आपको, पंजीटा जी नहीं, विवेक जी आपका जवाब मैं इस बात को लेकर चाहूंगी, क्योंकि बहुत बार कहा जाता है फाइल्स हैं बीजेपी के पास घोटाला हुआ के, और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अभय कि उनको जेल होगी ही होगी दुष्यंत को, लेकिन जेजेपी को ये क्यों लगता है कि ओपी चौटाला की जेल को, अजय चौटाला की जेल को एक राजनीतिक अवसर के तौर पर अभय ने लिया, जबकि अभय तो कहते हैं कि उससे पहले तो दूसरी पंक्ति में वो रहते थे, उससे पहले कभी राजनीति नहीं की, और पिता और भाई को जेल के बाद दुष्यंत को सांसद बनाया, नैना चौटाला को विधायक बनाया, इन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया गया। ज्योति जी पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने ये बात रखी, उस सारे जो घटनाक्रम हुआ उसके अंदर आपने सभी चीजें नजदीकी से देखी, आप चंडीगढ़ में उस टाइम थे और सभी चीजें आपने देखने का काम किया कि क्या क्या उस टाइम घटनाक्रम हुआ, किस तरह से चौटाला साहब के साइन के बिना लेटर लाया जाता है और दुष्यंत जी को दिग्विजय जी को ये कह के निकाल दिया जाता है कि इन्होंने अनुशासनहीनता की, वो भी मीडिया के एक साथी ने जब उस लेटर की फोटो ले ली और बिना चौटाला साहब के साइन का वो लेटर पब्लिक के बीच में दिखाने का काम किया, तब इनकी असलियत सामने आई। किस तरह से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो जेल में थे उनको भी पार्टी से निकाल दिया जाता है सिर्फ ये बात कह के कि अनुशासनहीनता उन्होंने की, जेल में रहते हुए उन्होंने क्या अनुशासनहीनता की। आपने जिक्र किया कि सांसद बनाया विधायक बनाया, अगर इतना ही उनके अंदर सांसद बनाया और विधायक बनाया, उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को जिला परिषद का चुनाव क्यों नहीं जिताया, जहां से वो नैना चौटाला जी को डबवाली से विधायक बनाने की बात करते हैं वहीं से उनकी धर्म पत्नी जिला परिषद का चुनाव हार जाती है, अगर इतना ही उनके पास कैलिबर था और इतनी उन्होंने वो की तो क्यों हार जाती है। आज कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम किया जाता है, लेकिन एक पुराना इंटरव्यू है दिग्विजय चौटाला का जिसमें अभय को पूरा क्रेडिट वो दे रहे हैं, नहीं परिवार और पार्टी को संभालने का, मैं उसी बात पे आता हूँ, क्रेडिट दे रही है, इंटरव्यू आपने पुराने का जिक्र किया, मैं कहता हूँ बड़ों का सम्मान करना हमारा संस्कार, हम उसी संस्कार को लेते हुए आज भी चौटाला साहब का सम्मान करते हैं, और आज भी जो प्रेस नोट आपने पढ़ा होगा उसमें भी चाचा शब्द का प्रयोग वैसे ही किया गया, जो लोग कहते हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम फिर भी कहते हैं चाचा तो चाचा है, दादा तो दादा है,
लेकिन नॉन सीरियस क्या देते हैं साथ में चाचा? नॉन सीरियस बात करते हैं। अगर ज्योति जी आपको ही नॉन सीरियस बात करेंगे तो आपको भी नॉन सीरियस कहा जाएगा। रुक जाइए विवेक जी, सबको सर्टिफिकेट मत बांटिए, बख्श दीजिए मुझे तो बख्श दीजिए आप। जो जो मैं क्यों नॉन सीरियस बातें करूंगी? नहीं अगर कायम आज आपको भी बांटा, आज के दिन जो नॉन सीरियस बात कर रहा है, आरोप लगाना और भाग जाना, आरोप लगाना और भाग जाना, उसके अलावा इनके पास कुछ ठीक है। रजत जी अगर फोन लाइन पर आ गए हैं तो इनकी इनकी बात पूरी सुन लेते हैं जल्दी। रजत जी चूंकि पिछली बार आप जेजेपी पर नहीं बोल पाए थे, आप कांग्रेस पर चले गए। मेरी बात कहाँ कटी? मेरे को तो ये नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ। मैंने आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी किस जगह पे कटा मुझे बताइए। मैं भी नहीं बता सकती सर, मैं भी नहीं सुन पाई। ठीक है, लेकिन अब जो कहा कि ऐसा नहीं कि अभय चौटाला ने कोई मदद की हो जब ओपी चौटाला या फिर अजय चौटाला जेल में थे, अगर वो इतनी ही मदद करने वाले, मेरे इंटरव्यू में भी कई बार दावा किया कि उन्होंने दुष्यंत को सांसद बनाया, नैना चौटाला को विधायक बनाया, लेकिन अपनी पत्नी को तो जिला परिषद का चुनाव नहीं जिता पाए। तो ये तमाम बातें हैं, इस तरह के बहुत सारे आरोप लगातार जेजेपी की ओर से लगते रहते हैं। देखिए ज्योति जी, पूरी की पूरी जो इंडियन नेशनल नंबर की यूथ विंग थी वो दुष्यंत को दी हुई थी, इनसो जो स्टूडेंट विंग थी वो दिग्विजय को दी हुई थी। पूरी अहम भूमिका इसलिए निभाई कि जजपा से जब दुष्यंत चौटाला जजपा से लड़े तो 4.5-4.75 वोट से हारे थे। आप अंदाजा लगा सकते खुद अपने आप में इतना सक्षम होते तो इतनी बुरी हाथ से ना पेटते। लोकसभा का एमपी तब जिताया 41,000 के मार्जिन से, और आप खुद लड़े तो हार गए। तो आप लोगों की भी तो जमानत जब्त हो गई ना हर एक सीट पर। ज्योति जी 2019 की आप बात करेंगे तो सभी 10 सीटों पर जमानत जब्त है। ज्योति जी एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बीच में ना बोले कि पिछले कितनी बार में ना, ये तो आखिरी कमेंट है। छोटा सा सवाल है ज्योति जी, जो जो 10 साल तक लगातार मुख्य विपक्षी दल रही हो पार्टी और कांग्रेस कहीं आसपास भी हो, जिसके आखिरी समय में आके अगर आप पार्टी में भीतर बात करेंगे और जब पार्टी के अंदर लास्ट में जाके तब बिल्कुल पार्टी से भीतर बात किसी ने नहीं किया। ज्योति जी ये बारी बारी कहते हैं, ठीक है अभी मैं इस बात की पूरी संभावना है कि इस विषय को लेकर बयानबाजी जारी रहेगी, फिर किसी दिन डिबेट करेंगे आगे सभी ने चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की, तो अभय और दिग्विजय के जेल को लेकर दिए गए बयान पर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।